Hello everyone, my name is Pinky Kunstrist. I am from Government RC Khaitan Polytechnic College, Jaipur. आज हम जो पढ़ेंगे DC Generator Principle and its EMF Equation के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो पिछला हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने DC Machines के बारे में पढ़ा था. DC Machines के दो पार्ट होते हैं, DC Generator और DC Motor. Construction पढ़ा था उसका, तो constructionally दोनों सेम होते हैं. अब हम जो आगे यूनिट में आगे बढ़ेंगे तो हम लेंगे DC Generator. DC Generator के जो मेन कंटेंट्स हैं वो है हमारे, इसको एक तो है इंट्रोडक्शन ऑफ DC Generator, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ DC Generator, DC Generator Principle Diagram, Types of DC Generator and its EMF Equation. सबसे पहले कि Introduction of DC Generator होता क्या है? हम जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि DC Generator वो होता है जिसमें कि Mechanical Power दी जाती है और Output में हमें Electrical Power मिलती है. आपने देखा होगा हमारे Surrounding में कभी शादी या पार्टी होती है तो हम Generator लगाते हैं. Generator क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो Electrical Power को Generate करता है, पर जो Electrical Power Generate होती है वो by nature क्या होती है? इसकी DC होती है. अब इसका जो क्या होता है, ये किस उस पर आधारित है कि when a conductor slash magnetic field an EMF will be generated based on the electromagnetic induction principle of Faraday's law. तो ये जो इसका प्रिंसिपल है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाते हैं तो वो लाइन्स ऑफ फ्लक्स को कट करता है, जिससे क्या होता है, EMF प्रोड्यूस होता है. वो EMF ही हम लोड को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड EMF, जो कि अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ है. दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कैन कॉज द फ्लो ऑफ करंट एंड द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज. अगर कोई सर्किट क्लोज्ड है, अगर EMF जनरेट हो रहा है तो क्या होगा, उस कंडक्टर में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. आर डीसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन हुज मेन फंक्शन इज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. मतलब डीसी जनरेटर एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. व्हेन अ कंडक्टर स्लैशेस मैग्नेटिक फ्लक्स एन ईएमएफ विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ. दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन कॉज फ्लो ऑफ करंट व्हेन द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड. अब इसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि जब बेसिकली जो जनरेटर है वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, और जो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है, और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो ईएमएफ अगर सर्किट क्लोज्ड होता है तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. अब क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल, जैसे अभी पिछली स्लाइड में देखा कि बार बार एक ही चीज को कहा जा रहा है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है. इसका मतलब है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाता है तो वो चालक लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से ईएमएफ जनरेट होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी अकॉर्डिंग टू द फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ. इफ द कंडक्टर इज प्रोवाइडेड विद a closed path, the induced current will be calculated within the path. अगर ये जो EMF produce हो रहा है वो closed circuit है तो उसके अंदर current flow होगा, उस current को हम calculate भी कर सकते हैं. In a DC generator, field coil produce an electromagnetic field and armature conductor are rotated into the field. इसमें क्या होता है, दो चुंबक permanent magnet रखी जाती हैं. उन परमानेंट मैग्नेट के बीच में चालक को किसी भी बाह्य सोर्स से या एक्सटर्नल सोर्स से उसको ड्राइव किया जाता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबक से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उससे वो लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करेगा. उसके फलस्वरूप क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा. वो ईएमएफ की जो डायरेक्शन है उस करंट की, ईएमएफ से जो प्रोड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ से निकाल सकते हैं. अब ये इसका प्रिंसिपल डायग्राम का डायग्राम है जिसमें ये दो परमानेंट मैग्नेट है एन और एस. इसका ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इसमें किसी भी एक्सटर्नल सोर्स द्वारा इस चालक को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जा रहा है. ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमने से क्या होगा, लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करेगा. लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करने से क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. वो ईएमएफ इस कम्यूटेटर को दे दिया जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटर वो डिवाइस है, क्योंकि जो बाय इसमें ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बाय नेचर एसी होता है. ये कम्यूटेटर उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, और ब्रश के थ्रू ये क्या होता है, लोड को ट्रांसफर कर दिया जाता है. इसके जो बेसिक पार्ट है, एक तो परमानेंट मैग्नेट, ये कंडक्टर,
कंडक्टर के कंडक्टर कम्यूटेटर से जुड़े हुए हैं, उसके बाद ये ब्रशेस, ब्रशेस है वो लोड से जुड़ा हुआ है जिसको कि हम ईएमएफ ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर कितने तरीके होते हैं, दो तरीके के बेसिकली टाइप्स ऑफ जनरेटर है, पहला है सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड जो होते हैं वो हमारे होते हैं तीन तरीके के, शंट, सीरीज और कंपाउंड। कंपाउंड अगेन दो तरीके के हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। जबकि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है उसमें जो फील्ड को है वो सेपरेटली हम उसमें सप्लाई देते हैं, उससे एक्साइटेशन होता है। जबकि जो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं जनरेटर होते हैं वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से एक्साइटेड होते हैं, जिसमें ये इसमें दिखा रखा है ये आर्मेचर है। आर्मेचर के अगर पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है तो वो क्या होगा, शंट जनरेटर होगा। अगर आर्मेचर के सीरीज में अगर वाइंडिंग लगी हुई है तो वो सीरीज जनरेटर होगा। कंपाउंड जनरेटर में शंट में और सीरीज में दोनों में होती है। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में जब फील्ड करंट का जो अगर ट्रैवलिंग इसकी लॉन्ग है तो वो तो लॉन्ग शंट कहा जाता है, अगर शॉर्ट होती है तो उसको शॉर्ट शंट कहा जाता है। जो आर्मेचर है बेसिकली इट इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस जो कि जिसके ऊपर ऊपर कंडक्टर प्लेस्ड होते हैं, वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होते हैं जिससे ये लाइंस ऑफ फ्लक्स कट होता है और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है, इसकी जो जनरेटेड ईएमएफ कितना है, उसका मैग्नेट्यूड क्या है, उसको हम एक ईएमएफ इक्वेशन से निकालते हैं। अब वी ये हमारे पास क्या है, वी नो दैट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर दैट द व्हेन अ कंडक्टर बिगिंस टू कट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड देयरफॉर द ईएमएफ इंड्यूसेस इन द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही चीज बार बार एक बेसिक प्रिंसिपल जनरेटर का, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाते हैं तो वो लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करता है, इसके फलस्वरूप E इज इक्वल टू डी फाई डी टी होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज ऑफ फैराडे के ऊपर आधारित है। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड स्पीड ऑफ द कॉयल रोटेट। अब इन चीज जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एक तो डिपेंड करती है हमारी कंडक्टर की लेंथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है और जो चालक है वो किस स्पीड से घुमाया जा रहा है। इसके ईएमएफ इक्वेशन का जो मैग्नेट्यूड, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नेट्यूड निकालना है उसके लिए हम पहले कुछ पैरामीटर रिज्यूम करते हैं, जैसे फाई फ्लक्स पर पोल इन वेबर, जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, एन आर्मेचर रोटेशन द रेवल्यूशन पर मिनट, पी नंबर ऑफ पोल्स, ए इज नंबर ऑफ पैरल पाथ इन द आर्मेचर, ई इज अ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन any parallel path of the generated EMF। अब हम क्या है, हमारे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ कि वही जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा है तो वो लाइंस ऑफ फ्लक्स कट रहे हैं जिससे EMF फ्लक्स में चेंज आ रहा है डी फाई अपॉन डी टी, उसको हमने लिख लिया फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर अपॉन टाइम टेकन, उसमें कितना समय लग रहा है, उससे हम ईएमएफ एक पर कंडक्टर जनरेटेड एवरेज ईएमएफ पर जनरेटर निकाल सकते हैं। अब हमने एज्यूम करा फ्लक्स कट डी फाई है तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स, इसमें अगर पी है तो इसका मतलब जो फ्लक्स कटेगा वो पी टाइम्स कटेगा, तो जो डी फाई है वो फाइव पी के बराबर हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट हम लेंगे तो एन बाय 60, टाइम टेकन ऑफ वन रेवोल्यूशन इज 60 बाय एन सेकेंड्स, डी टी इज इक्वल टू 60 बाय एन। अब ये जो डी फाई है वो हम यहाँ रख देंगे पी फाई एंड डी टी हम रख देंगे 60 बाय एन सेकेंड। जैसे इसमें रख दिया ई एम एफ जनरेटर पर कंडक्टर 5 पी अपॉन 60 बाय एन एंड दिस इज विल बिकम इज 5 पी एन अपॉन 60 वोल्ट्स, टोटल ई एम एफ जनरेटेड बिटवीन द टर्मिनल्स। E is equal to average EMF generated by the conductor multiplied by the conductor in the each parallel path. वो हम parallel path कैसे निकालते हैं, total number of conductor हमारे पास Z है और A is a number of parallel path है, तो कितने conductor होंगे एक parallel path में, वो होगा हमारा Z by A। अब total हमको EMF निकालना है generated, तो हम इस प्रकार निकालेंगे, जो हमारा average generated है उसको number of conductor in each parallel path से multiply कर देंगे, तो 5 पी एन अपॉन 60 इंटू जेड बाय ए वोल्ट, तो हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू 5 जेड एन पी अपॉन 60 ए वोल्ट।
तो अब इसमें जो ए है वो आर्मेचर वाइंडिंग दो तरह की होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग के लिए ए इज इक्वल टू पी होती है, पी इज अ नंबर ऑफ पोल्स, और जबकि वेव वाइंडिंग के लिए ए इज इक्वल टू टू होता है, जो कि वेव वाइंडिंग टू हम इस तरह से याद करते हैं, लैप तो पी, ए इज इक्वल टू पी, पी आ रहा है, ये पी आ रहा है, और ए इज इक्वल टू टू, तो ये वेव वाइंडिंग। ये आपको अगर न्यूमेरिकल में ये वैल्यू नहीं दी होती है, ये हमको याद करनी पड़ेगी कि ए इज इक्वल टू पी है इन केस ऑफ लैप वाउंड जनरेटर, और ए इज इक्वल टू टू जब वेव वाउंड जनरेटर होता है, तब इन वैल्यू को हम इसमें ए इज इक्वल टू फाइव जेड एंड पी अपॉन 60A के अंदर रख देते हैं। ये आपकी जनरेटेड EMF इक्वेशन है। तो इसका जो ब्रीफ में है, इसमें जो हमने इस लेक्चर में इसमें पढ़ा है वो ये कि जनरेटर क्या होता है, जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन क्या है। तो जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र को चालक में घुमाया, चालक को घुमाया जाता है, तो उससे लाइंस ऑफ फ्लक्स कट होते हैं, उसके फलस्वरूप ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी होता है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, और उससे ये ईएमएफ जनरेट होता है। और इस ईएमएफ को अगर कंडक्टर जो हमारा सर्किट क्लोज्ड है तो वो उसमें करंट फ्लो करता है। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल हो गया, अब दूसरा ईएमएफ इक्वेशन क्या है इसकी, ई इज इक्वल टू जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन है, ई इज इक्वल टू फाई जेड एन पी अपॉन 60A, फाई है फ्लक्स पर वेबर, पी इज ए नंबर ऑफ पोल्स, एन इज ए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन आरपीएम, जेड इज ए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, और ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। इससे हम निकालते हैं, और ए की वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है, ये हमको याद करनी पड़ती है। थैंक यू।